वे कौन थे जिनके बिना समुद्र मंथन होना नामुमकिन था। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला जिसको शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया और तभी से शिव जी का नाम नीलकंठ हुआ। समुद्र मंथन से बहुत सी दिव्य चीजें निकली। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से ही अमृत की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन एक ऐसा पात्र भी था जिसके बिना समुद्र मंथन होना नामुमकिन था। वे नागराज वासुकी जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत जैसे दिव्य तो और विशालकाय पर्वत की मथनी को समुद्र मंथन के समय स्थिर रखा। नागराज वासुकी को एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा और एक तरफ से असुरों ने, फिर इनकी सहायता से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन को पूर्ण करने हेतु ही भगवान विष्णु ने अपना द्वितीय अवतार कुर्म अवतार लिया था। वैसे दोस्तों अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना